वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट एंड ट्विस्ट विद पारुल। फ्रेंड्स, दिसंबर का मंथ है, क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है और ये दोनों ही चीजों पे अगर घर में केक ना बने तो मजा नहीं आएगा। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि सबके घरों में माइक्रोवेव या ओटीजी हो, तो चलिए आज मैं आपको इस प्रॉब्लम का एक बढ़िया सा सॉल्यूशन देती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि कैसे हम एक बढ़िया सा चॉकलेट केक बना सकते हैं कढ़ाई में। हाँ जी, कढ़ाई में, और ये केक होगा थोड़ा सा हेल्दी भी, क्योंकि इसमें हम मैदा का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। इस केक को हम बनाएंगे गेहूं के आटे से, है ना, बढ़िया सी बात। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे जो एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसे जल्दी से क्लिक कीजिए। तो चलिए अब हम फटाफट से बनाते हैं अपना यमी यमी टेस्टी टेस्टी चॉकलेट के कढ़ाई में गेहूं के आटे के साथ। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। एक केक टिन लेके उसमें चारों तरफ रिफाइंड ऑयल लगा दीजिए इस तरह से। अब इसमें हमें एक बटर पेपर रखना है बीच में। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई भी कागज लेके उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दीजिए, वो बटर पेपर का ही काम करेगा। इस तरह से सेट कर दीजिए उसे। इसके बाद एक बड़े बाउल में आप लीजिए 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप पिसी हुई चीनी, बारीक चीनी जो आप मिक्सी में डाल के बारीक कर सकते हैं चीनी को। उसके बाद आप डालिए 1 बाउल दूध, फिर 1 छोटी चम्मच वेनिला एसेंस। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए, देखिए कुछ इस तरह से। अब इस बाउल के ऊपर एक बड़ी छलनी रखिए। इसमें हम डालेंगे अब सबसे पहले अपना 1 कप गेहूं का आटा। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। अब 2 छोटी चम्मच कोको पाउडर इसमें डालेंगे हम। फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कोको पाउडर का। और अब इसको धीरे धीरे हाथ से करके आप छान लीजिए नीचे बाउल में। जो आपका आटा है वो बिल्कुल मैदा की तरह छन जाएगा और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, देखिए कुछ इस तरह से। एक ही डायरेक्शन में चलाइएगा, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं। इससे हमारा जो बैटर बना है ये फ्लफी हो जाएगा। ये कि हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब इसमें आप हल्का सा ऑरेंज कलर डालिए, ये आपके ऊपर है, आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। इससे क्या होता है कि जो चॉकलेट केक है उसका कलर बहुत सुंदर आता है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है हमारे बैटर का। अब इसको मैं जो हमने केक टिन रखा था ग्रीस करके ऑयल लगा के उसमें डाल देती हूँ। अब यहाँ पे एक कढ़ाई मैं रख देती हूँ गरम होने के लिए, और इस कढ़ाई में नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक आप स्टैंड रख दीजिए और इसको ढक दीजिए गरम होने। अब ये देखिए हमारी कढ़ाई में से धुआं निकल रहा है, ये अच्छे से हीट अप हो चुकी है। अब जो हमारा केक टिन था उसको इसमें रख दीजिए। अब इसे अराउंड 50 से 55 मिनट्स के लिए हमें ढक के रखना है। चलिए तो तब तक हम अपनी यहाँ पे ये क्रीम लेकर हम अपना गनाचे बना लेते हैं, मतलब केक के ऊपर लगाने वाली आइसिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्रीम ली है, उसमें मैं ये एक डेरी मिल्क चॉकलेट जो हमारे घर में आसानी से होती है उसको तोड़ तोड़ के डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 चॉकलेट्स ली हैं, उसको मैंने डाल दिया है। बाद में इसमें डालूंगी 1 चम्मच कोको पाउडर, फिर 2 चम्मच पिसी हुई चीनी। ये देखिए अब इन सब चीजों को अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। आप क्रीम कोई भी ले सकते हैं, जो सिंपल क्रीम आती है मार्केट की। ये देखिए ये हमारा गनाचे, ऊपर जो हम लगाएंगे चॉकलेट की ड्रेसिंग, ये रेडी हो चुकी है। अब देखिए हमारे केक के क्या हाल है। तो आफ्टर 50 मिनट्स मैंने ये ढक्कन हटाया है और ये देखिए हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। अब साइड से चक्कू की सहायता से हल्के हल्के हाथ से केक के सारे कोने साफ कर लीजिए, पीछे से टैप कीजिए और ये हमारा केक आ गया बाहर। ये देखिए कितना फ्लफी बना है और एकदम सॉफ्ट
केक बनके तैयार हुआ है। कलर भी देखिए कितना सुंदर आया है हमारे चॉकलेट केक का। अब जो ये मैंने आइसिंग बनाई थी इसे चम्मच से या फिर बटर नाइफ से अच्छी तरह चारों तरफ लगा लीजिए। कॉर्नर्स में भी लगाना मत भूलिए, अच्छे से कवर करना है ये चॉकलेट आइसिंग से। अब यहाँ पे मैंने ओरियो बिस्किट लिए हैं, इनको दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर लीजिए। इनसे हम अपना केक का डेकोरेशन करेंगे और इस तरह से केक के बीचों बीच चार से पांच बिस्कुट से आप ये कवर अप कर दीजिए, ऐसे डिजाइन बना लीजिए। अब मैं यहाँ पे जेम्स ले रही हूँ, जेम्स को हम डालेंगे इन बिस्किट के बीच में, बहुत ही सुंदर लुक आता है इससे दोस्तों। अब और मैंने ओरियो बिस्किट्स लिए हैं, अगेन उन्हें हाफ हाफ करके मैं कॉर्नर्स पे चिपकाऊंगी अपने केक के। और ये देखिए यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया है, अब इसको एक घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, इससे हमारा केक अच्छे से सेट हो जाएगा। और एक घंटे बाद ये लीजिए आपका टेस्टी टेस्टी चॉकलेट केक बिल्कुल रेडी है। लग रहा है ना दोस्तों एकदम यमी और टेस्टी। बहुत ही आसानी से हमारा ये चॉकलेट केक रेडी हो गया है, बिना मैदा के, बिल्कुल हेल्दी तरीके से, गेहूं के आटे से बना है हमारा ये चॉकलेट केक, और वो भी माइक्रोवेव या ओटीजी के बिना, सिंपल सी एक कढ़ाई में। दोस्तों आप भी इस केक को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसानी से बनता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।